Assalamu alaikum dear students, welcome back to the NPS official. Hope you're all fine and doing great. In this video we will discuss about the important short questions and the long question of chapter 6, that is called solutions. सबसे पहले according to pairing scheme हम देखते हैं इस chapter में से 2 MCQs आएंगे, 4 short questions and 1 long question. So let's start. सबसे पहले इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है सोल्यूशन की डेफिनेशन. अ सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सब्सटेंसेस. For example, the air we breathe is a solution of several gases. Brass is a solid solution of zinc and copper. Sugar dissolves in water is an example of liquid solution. आप ये भी बस लिख सकते हैं, sugar dissolves in water is an example of liquid solution. यहाँ से लेके यहाँ तक example कर लीजिएगा और ये यहाँ से लेके यहाँ तक definition. Then है अगला short question, aqueous solution. यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे और इसकी एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक. आगे एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट. तो हम इसके रीज़न लिखेंगे, वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट डिसॉल्व्स मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट. देन है सल्यूट, सल्यूट की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक और इसकी एग्जाम्पल यहाँ से लेके यहाँ तक. नेक्स्ट है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक और इसकी एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लिखेंगे इसके एग्जांपल. अच्छा ये देखें, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में सॉल्यूशन की डेफिनेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके बाद यहाँ पे आता होता है डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. और एक्वस सॉल्यूशन की डेफिनेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. देन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक और ये वाली इक्वेशन भी कर लीजिएगा. उसके बाद है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक. डिफरेंस आता होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. उसके बाद है यहाँ पे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक और इसकी एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक राइट करेंगे. देन यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन डिल्यूट सॉल्यूशन एंड द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. Dilute solution are those which contain relatively small amount of dissolved solute in the solution and concentrated solutions are those which contain relatively large amount of dissolved solute in the solution. अच्छा तो अब तक जब जितने भी हमने शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा. आगे है कंसनट्रेशन, यूनिट्स वाला टॉपिक, इसमें कंसनट्रेशन की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे. उसके बाद परसेंटेज जो कि कंसंट्रेशन का यूनिट है, इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें वो पूछ लेते होते हैं परसेंटेज मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लॉन्ग क्वेश्चन में. तो आपने ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है. सबसे पहले परसेंटेज की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे. उसके बाद है परसेंटेज मास बाय मास यहाँ से लेके यहाँ तक और इसका फार्मूला, इसमें परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम यहाँ से लेके यहाँ तक और देन इसका फार्मूला करेंगे. परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास, इसकी डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक और इसका फार्मूला. उसके बाद परसेंटेज है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे और ये वाला इसका फार्मूला करेंगे. अच्छा तो ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉइंट ऑफ व्यू शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन. उसके बाद द नेक्स्ट है मोलैरिटी, मोलैरिटी की डेफिनेशन है, इट इज़ अ कंसंट्रेशन यूनिट डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड इन वन डेसिमल क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम और इसका फार्मूला. मोलैरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. सो डियर स्टूडेंट्स, मोलैरिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. उसके बाद अगला शॉर्ट क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ द मोलर सॉल्यूशन. ये ऐसे जितना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा बिकॉज इस चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं. उसके बाद देन नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लें, वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे आपने सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन करनी है और इसके प्रिंसिपल्स करने हैं, ये वाले सारे तीनों प्रिंसिपल्स अच्छे तरीके से. ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है. वो लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरह से देखें, डिफाइन सॉल्युबिलिटी एंड राइट इट्स प्रिंसिपल्स. और शॉर्ट क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लाइक डिसॉल्व लाइक ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है. उसके बाद है नेक्स्ट है, यहाँ से आप बस ये वाले 3 पॉइंट्स कर लीजिएगा फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन. एंड आगे है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन. ये आपने यहाँ से लेके यहाँ तक सारा प्रिपेयर करना है, ये वाला सारा.
उसके बाद अगला लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कंपैरिजन ऑफ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन कोलाइडल एंड सस्पेंशन। ये आपने अच्छे तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर लेना है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन देखे, एक परसेंटेज वाला, एक इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी, और तीसरा कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन कोलाइडल एंड सस्पेंशन की करैक्टरिस्टिक्स का। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, यही इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं साथ साथ। सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।